हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई मजा आ गया, जवान क्या आई ढेर सारे सरप्राइजेस के पिटारे लेकर आई है। ये वीडियो ध्यान से देखना, बहुत सारे खुलासे करने वाला हूँ आज जवान से रिलेटेड अमेजिंग न्यूज एंड अपडेट्स के। आज बात करेंगे कि सलमान खान का भी कैमियो देखने को मिलेगा क्या। भाई साहब बहुत शॉकिंग अपडेट निकल कर आ रही है। पहले 24 घंटे में कितने व्यूज मिले, कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, साथ ही और कितने कैमियोज देखने को मिल सकते हैं मूवी में। सालार को बीट डाउन कर दिया है क्या जवान ने, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी जवान फिल्म से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और SRK के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब ये क्या अपडेट निकल कर आ रही है, सलमान खान का कैमियो देखने को मिल सकता है। मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, अगर सलमान खान का कैमियो जवान के साथ हो गया, मूवी को 1500 करोड़ से ऊपर बिजनेस करने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। और पहले दिन का अगर छोटे से छोटा आंकड़ा एज्यूम करूं तो 150 करोड़ का बिजनेस आराम से कर जाएगी मूवी अपने पहले दिन ओपनिंग डे के मामले में। जी दोस्तों, जो वाइब पठान में देखने को मिली थी सलमान खान के कैमियो के साथ, वही वाइब दोबारा देखने को मिलेगी। दोस्तों मे बी हो सकता है सलमान खान का कैमियो मूवी में 80% तक हो सकता है, क्योंकि SRK और भाईजान की वो राइवलरी जो पहले थी वो कॉन्ट्रोवर्सी सब खत्म हो चुकी है। दोनों ही बंदे एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव रहते हैं और एक दूसरे की सक्सेस को बहुत अप्रिसिएट भी करते हैं, तो नो डाउट कैमियो हो भी सकता है और बाकी कुछ दिन बाद ऑफिशियली ये भी पता लग ही जाएगा। इसी के साथ मल्टीपल कैमियो देखने को मिलेंगे जवान में। जहां दोस्तों थालापति विजय का कैमियो हमें देखने को मिलेगा ही, ये तो कन्फर्म है, और दीपिका पादुकोण को तो आपने प्रीव्यू में ही देख लिया है। बाकी सुनने में ये भी आ रहा है कि संजू बाबा को भी लाया जा रहा है मूवी में। भाई साहब बवाल होने वाला है, इतने बड़े बड़े चेहरे एक ही फिल्म में, पब्लिक में खलबली मच जाएगी, लोग सीटियां और तालियां मारते थक जाएंगे थिएटर में। बात अगर कैमियो की चल ही रही है तो अल्लू अर्जुन को भी रीच कराया गया था कैमियो के लिए, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, साफ मना कर दिया था, क्योंकि अल्लू अर्जुन बॉलीवुड से दूर भागते हैं। देखो आजकल कैमियो का दौर चल रहा है, हर कोई एक जबरदस्त जोड़ी देखना चाहता है अपने फेवरेट सुपरस्टार के साथ, और इससे मूवी का हाइप ही हाई होना है। कैमियोज का घाटा कुछ नहीं होता है, जिसका जीता जागता सबूत हम पठान में पहले ही देख चुके हैं, कैसे टाइगर और पठान का कैमियो ने मूवी को पूरा सिनेरियो ही बदल दिया था। पठान का 1000 करोड़ से ऊपर बिजनेस करने का एक बूस्टर ये कैमियो वाला स्टेप भी था। दूसरी तरफ भाई साहब जवान के प्रीव्यू ने आंख फाड़ रखी है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज गैदर कर रहा है ये प्रीव्यू। भैया बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक बॉलीवुड मूवी को साउथ फिल्मों के जैसा प्यार मिल रहा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज लाइक्स एकदम ताबड़तोड़ तरीके से मिल रहे हैं। और तो और अपने पहले 6 घंटे में सर्वर ही क्रैश कर दिया था इस प्रीव्यू ने, AI तक काउंट नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं अपने पहले 6 घंटे के मामले में। दोस्तों बात करें पहले 24 घंटे में कैसे व्यूज एंड लाइक्स रहे प्रीव्यू के, तो यस हिंदी से 45 मिलियन व्यूज, 1.4 मिलियन लाइक्स और 140,000 कमेंट्स। देखो अगर मैं आपको बता दूं तो सालार के टीजर की 83 मिलियन व्यूज में सिर्फ 1.2 या फिर 1.3 मिलियन के अराउंड लाइक्स मिले थे, लेकिन सिर्फ हिंदी से जवान ने अपने पहले 24 घंटे में 1.4 मिलियन लाइक्स बटोरे हैं। तो यहाँ पर सालार के टीजर को बीट डाउन कर दिया है प्रीव्यू ने अपने सिंगल ऑडियंस के दम पर, और पूरे भारत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वहीं बात अगर तमिल की करें तो 5.8 मिलियन व्यूज और 280,000 लाइक्स मिले हैं, 11,000 कमेंट्स मिले हैं, तो तमिल में तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल ही रहा है। और अगर थालापति विजय का सॉलिड कैमियो इसमें आ गया तो भाई तमिल से भी ब्लॉकबस्टर हिट होने से इसको किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। वही बात अगर तेलुगु की करें तो यहाँ तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर देखने को मिल ही रहे हैं, इतना तो एक्सपेक्ट करा ही नहीं था कि तेलुगु से इतने अच्छे व्यू मिल जाएंगे। जी दोस्तों 3.6 मिलियन व्यूज, 1,55,000 लाइक्स, 6,800 कमेंट्स। तो दोस्तों उम्मीद ना थी कि SRK को ऐसा रिस्पॉन्स मिल जाएगा तेलुगु इंडस्ट्री से, तेलुगु लैंग्वेज से, क्योंकि सालार के होते होते ऐसा मुमकिन नहीं था। तो अगर मैं टोटल व्यूज की बात करूं पहले 24 घंटे में कितने आए हैं, तो यस 55 मिलियन व्यूज, 1.83 मिलियन लाइक्स और 1,57,000 कमेंट्स। देखो व्यूज के मामले में YouTube में पीछे है जवान, लेकिन लाइक्स के मामले में कहीं आगे है सालार से। जबकि सालार के टीजर को 83 मिलियन व्यूज मिले थे अपने 24 घंटे में, तो इससे साफ पता लग रहा है कि पसंद ज़्यादा किसे किया जा रहा है। भले ही ऑडियंस कम हो, लेकिन क्लियर नंबर आ रहा है कि जवान को ज़्यादा पसंद करा जा रहा है बजाय सालार के टीजर के। लेकिन नहीं है कि सालार का रुतबा उसकी औकात कम हो जाएगी। भाई साहब वेट करो, जब सालार का ट्रेलर आएगा तब देखेंगे कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन भी पलट जाएगी उस समय अलग। लेकिन 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 रेड चिलीज के ऑफिशियल पेज ने एक पोस्टर सेलिब्रेशन रिलीज करा कि पहले 24 घंटे में 112 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर चुका है जवान का प्रीव्यू। तो आप लोग अब ये कहोगे कि अभी तो तू कह रहा था 55 मिलियन व्यूज ही कंप्लीट करे हैं, तो मैं आपको बता दूं 112 मिलियन व्यूज सारे प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर करे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब मिलाकर जवान इतने व्यूज पहुंचा पाया है। लेकिन सालार ने सिर्फ यूट्यूब से ही 83 मिलियन व्यूज कंप्लीट करिए थे।
पर लाइक्स के मामले में पीछे रह गया सालार का टीजर। तो दोस्तों दोनों फिल्में अपनी अपनी जगह ब्लॉकबस्टर हैं, नो डाउट, और दोनों ही अपना बिजनेस करके जाएंगी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आफ्टरऑल हमें तो दोनों ही फिल्मों का मजा लेना है, जब एंटरटेनमेंट भरपूर मिल रहा है दोनों तरफ से तो हम काहे को किसी को कंपेयर करें और पीछे हटें। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी प्रीव्यू देख लिया है तो आपको प्रीव्यू कैसा लगा? दूसरा, सालार और जवान दोनों फिल्मों में से किसके लिए ज़्यादा इंतजार है आप लोगों को? तीसरा ये कि क्या सलमान भाई का कैमियो वाकई में देखने को मिल सकता है? चौथा ये कि मूवी वाकई में ब्लॉकबस्टर हिट होगी, 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर भी पाएगी या नहीं? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।